क्या एक विश्वासी को नए नियम में दशमांश देना चाहिए? ये अच्छा सवाल है और बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या नए नियम में हमें दशमांश देना है या नहीं। देखिए, हम पुराने नियम में नहीं हैं, हम मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था को पूरा किया और हमें मूसा की व्यवस्था या पुराने नियम से आज़ाद किया, और अभी हम पुराने नियम के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। और हम नए नियम जो यीशु के लहू में स्थापित किया गया है उसके अनुसार हम चलते हैं। लेकिन दशमांश के बारे में जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, दशमांश देखिए मूसा की व्यवस्था में चालू नहीं हुआ। इब्राहिम करके, जिसे विश्वास का पिता कहा जाता है, उन्होंने जब वो अपने 318 लोगों के साथ जाके चार राजा को उन्होंने हराया, और जब वो वापस आए, मेलकीसदेक नामक परमेश्वर के याजक से उनकी भेंट हुई, और मेलकीसदेक ने, जो परमेश्वर का याजक था, उसने इब्राहिम को आशीष दी, और इब्राहिम ने प्रत्युत्तर में परमेश्वर के दास, परमेश्वर के याजक को दशवांश दिया। प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो ये इब्राहिम के भी पहले एदन की वाटिका में, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने एदन की वाटिका में रखा, और परमेश्वर ने प्रत्येक रूप से एकदम स्पेसिफिकली उनसे कहा कि देखो, बगीचे में जितने पेड़ हैं उसमें से तुम खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ बीच में है, जिसे बुरे और भले के ज्ञान का पेड़, इसके फल को तुम मत खाना। परमेश्वर बहुत स्पेसिफिक थे, ओके? और परमेश्वर ने कहा कि वो जो पेड़ है जो बीच में है उससे आप नहीं खाएंगे। उसे परमेश्वर ने ये कभी नहीं कहा कि हमें छूना नहीं है, परमेश्वर ने कहा सिर्फ खाना नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए नहीं था। प्रेज गॉड। वो बगीचे के बीच में था ताकि बगीचे के किसी भी कोने में अगर आदम खड़े रहे और वो देखे उस पेड़ को, तो वो पेड़ उसे स्मरण दिलाएगा कि जो कुछ उसके पास है, जो कुछ उसे मिला है, वो सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का वरदान है। ऐसा कुछ भी नहीं है आदम के पास जो उसकी मेहनत से या उसकी पढ़ाई से या उसकी होशियारी से उसको मिला है। वही चीज परमेश्वर चाहता था कि आदम स्वीकार करे, कि आदम इस बात का स्वीकार करे कि परमेश्वर उसका स्रोत और निर्वाहक है। देखिए, दशवांश का मतलब है स्वीकार करना। दशवांश का मतलब पैसों से ज्यादा है। कुछ लोग दशवांश सोचते हैं पैसों के बारे में है, पैसों से ज्यादा है ये। दशवांश आदर के बारे में है, और दशवांश इस बात को स्वीकार करने के बारे में है कि आपके पास जो कुछ है, जो कुछ आपके पास है, वो सब यीशु की वजह से है। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर ने आदम से कहा कि इस पेड़ से मत खाना, क्योंकि वो पेड़ तुम्हें याद दिलाएगा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो परमेश्वर के कारण है। देखिए, व्यवस्था विवरण 8:18 में प्रभु ने कहा, हमेशा स्मरण रखना, अपने प्रभु परमेश्वर का हमेशा स्मरण रखना, कि वही है जो तुझे धन प्राप्त करने की शक्ति देता है। प्रेज गॉड। हम स्मरण करते हैं हमारे, तो क्या एक विश्वासी को नए नियम में दशमांश देना चाहिए? हर विश्वासी को, सिर्फ कुछ विश्वासियों को नहीं, हर विश्वासी को दशमांश देना जरूरी है, क्योंकि दशमांश का लेना देना आदर से है। प्रेज गॉड। नीति वचन में लिखा है कि अपने धन और संपत्ति के द्वारा अपना पहला फल दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, तब तेरे खते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से दाक मधु बहेगा भरेगा। प्रेज गॉड। तो हम अपने दशमांश के साथ क्या करते हैं? हम हमारे दशमांश के द्वारा प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु की प्रतिष्ठा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। जैसे मलाकी की किताब में परमेश्वर ने कहा लोगों से, अपने लोगों से कहा कि सुनो, तुमने मुझे लूटा है। क्योंकि वे लोग दशमांश नहीं देते थे, भेंट नहीं देते थे, और जब देते थे तो लंगड़े जानवरों को देते थे, अंधे जानवरों को देते थे, बीमार जानवरों को देते थे। तब प्रभु ने उनसे कहा कि तुमने मुझसे लूटा है। क्या पैसा लूटा है? क्या आपका 10% आप प्रभु को नहीं देते हैं, इसलिए प्रभु आपसे कहता है कि आपने मुझे लूटा है? क्या प्रभु 10% 10,000 रुपये के पीछे, या 20,000 रुपये के पीछे, या 20 करोड़ के पीछे पड़ा है? परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर का है, पूरी कायनात उसकी है, तो किस बात में लोगों ने उसे लूटा है?
आदर के मामले में। उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि जो कुछ भी उनके पास है वो यहोवा के कारण है। परमेश्वर पैसों के पीछे नहीं है, परमेश्वर हृदय के पीछे है, परमेश्वर आदर के पीछे है। कि परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, लेकिन जो मुझे तुच्छ जानेगा वो छोटा समझा जाएगा। प्रेज गॉड। तो दशमांश के बारे में जब आप सोचें, इसको पैसों के बारे में या पैसों तक सीमित ना करें, वो आदर और स्वीकृति के बारे में है, जहां पर आप ये स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर आपका स्रोत है, परमेश्वर आपका निर्वाहक है, और उस बात के लिए आप प्रभु का आदर करते हैं। प्रेज गॉड। नए नियम में तीन प्रकार के देने के विषय में हम सीखते हैं। सबसे पहला है दशमांश, मतलब जो भी आपके पास आप कमाते हैं या जो भी प्रभु ने आपको दिया है उसका 10% वो प्रभु का है, वो आपका नहीं है। वेरी स्पेसिफिक, जैसे एदन की वाटिका में प्रभु बहुत स्पेसिफिक थे कि इस पेड़ को मत खाना, प्रेज गॉड, वैसे ही 10% परमेश्वर का है। और क्योंकि वो यीशु का है, यीशु जहां बोलता है वहां पर आप उसे दे सकते हैं, जहां पर आपको वचन खिलाया जाता है वहां पर आप उसे दे सकते हैं। दूसरा चीज है बीज बोना। बीज बोने का मतलब है कि विश्वासियों के, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियां, परमेश्वर के जो बच्चे हैं, दूसरे दूसरे विश्वासी हैं या सांसारिक लोग हैं, उनके जरूरतों को पूरा करना, उनके घटी को पूरा करना, वो है बीज बोना। कि जब आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे फिलिपुस की कलीसिया ने प्रेरित पौलुस की जरूरतों को पूरा किया, अलग अलग विश्वासियों की जरूरतों को पूरा किया, यरूशलेम में जो विश्वासी थे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बीज बोया, वो है बीज बोना। जहां पर आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, और आपको याद होगा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम आशीष दूसरों को तुम आशीष दोगे। प्रेज गॉड। और तीसरे प्रकार का देना है गरीबों को देना। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप बाहर जाते हैं काम के लिए, हो सकता है भाजी खरीदने के लिए, हो सकता है जहां पर भी आप जाते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा लेकर के जाइए, ताकि आप किसी व्यक्ति को जो दरिद्र है, कंगाल है, उनको आप थोड़ा पैसा दे सकें, थोड़ा ज्यादा पैसा दे सकें। अगर आप ऑटो में जाते हैं या पेट्रोल पंप में जाते हैं या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा दे दीजिए, लोगों को आशीष कर दीजिए। प्रेज गॉड। देना एक जीवन शैली बना दीजिए। प्रेज गॉड। तो ये तीन प्रकार का देना, ये बहुत जरूरी है कि हम इसे लागूकरण करें अपने जीवन में, और ये नए नियम की मैं बात कर रहा हूं। अभी जितने सेवक हैं, पास्टर्स हैं, प्रेरित हैं, भविष्यदाता हैं, शिक्षक हैं, या फिर भविष्यदाता हैं, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, किसी भी सेवक को, किसी भी पास्टर को देने के विषय में अपने सभाओं में और अपने लोगों के ऊपर जोर नहीं डालना चाहिए। देने के विषय में हमें सिखाना चाहिए, लेकिन जोर या दबाव नहीं डालना चाहिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि लोगों ने आपको नहीं बुलाया, लोगों ने आपको नियुक्त नहीं किया, लोगों ने आपको अभिषेक नहीं किया। यीशु ने आपको भेजा है, यीशु ने आपको अभिषेक किया है, और यीशु ने आपको नियुक्त किया है। जिसने आपको नियुक्त किया है वो आपको संभालेगा। आपको लोगों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो, आपका जो इनकम है वो लोगों के देने पर निर्धारित नहीं है। आपका जो इनकम है वो आपके देने पर निर्धारित है। तो आप प्रॉस्पेरिटी के नियम और कानूनों को सीखिए, उसे लागू कीजिए, और हम दूसरों के ऊपर निर्भर न रहें। अगर हम किसी भी व्यक्ति पर निर्भर रहेंगे तो आप निराश हो जाएंगे। प्रेज गॉड। हमें यीशु की ओर देखना है। हर विश्वासी को, चाहे आप सेवक हैं या विश्वासी हैं, आपको यीशु की ओर अपने आप को रखना है, और यीशु के सिद्धांतों को, परमेश्वर के राज में जो धन के सिद्धांत हैं, उन्हें लागू करना है, और परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। अभी कुछ लोग बोलते हैं, देखो गरीबों को दशमांश नहीं देना है, बीज नहीं बोना है। लेकिन आप यीशु को क्या बोलेंगे? यीशु के सामने एक गरीब विधवा आकर दो दमड़ियां उन्होंने कटोरे में डाला, यीशु मसीह ने उसे रोका क्यों नहीं? इनफैक्ट यीशु मसीह ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया है। क्यों? आप जानते हैं क्यों नहीं रोका? क्योंकि देने के द्वारा ही एक व्यक्ति गरीबी से निकल सकता है और
आर्थिक प्रभुत्व में जा सकता है और वहीं पर रहेगा देने के द्वारा। हम सबको देने वाला व्यक्ति बनना है, प्रेज गॉड। और जब आप दें, वचन के अनुसार मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, देना, दशमांश देना, बीज बोना, गरीबों की सहायता करना, ये आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपका, और इसे ध्यान से सुनिए हर एक व्यक्ति, आपका दशमांश कलीसिया के फायदे के लिए या किसी पास्टर के फायदे के लिए या लोगों के फायदे के लिए नहीं है। उनको फायदा होगा, लेकिन सबसे पहली बात, आपका दशमांश देना, आपका बीज बोना, गरीबों की सहायता करना, ये आपके फायदे के लिए है। प्रेज गॉड, ये आपके फायदे के लिए, आपका दशमांश देना आपके फायदे के लिए है, आपका बीज बोना आपके फायदे के लिए है, आपको गरीबों की सहायता करना ये आपके फायदे के लिए है, या परमेश्वर के फायदे के लिए या कलीसिया के फायदे के लिए या किसी पास्टर के फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। प्रेज गॉड। और जब आप वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा की अगुवाही के अनुसार दशमांश देते हैं, बीज बोते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, तो अपेक्षा करें, जैसे प्रभु ने कहा, अगर तुम संपत्ति के द्वारा मेरा आदर करोगे तो तुम्हारे खते भरे पूरे रहेंगे। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मेरे खते भरे पूरे हैं। प्रभु ने कहा, जब तुम मेरा आदर करोगे दशमांश के द्वारा स्वर्ग खुल जाएंगे। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मेरे लिए स्वर्ग खुल रहे हैं यीशु के नाम से। जब मैं बीज बोता हूं, मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि वो बीज कटनी लेकर आ रहा है। प्रेज गॉड। अपेक्षा कीजिए, और हम अपेक्षा लोगों से नहीं कर रहे हैं, हम अपेक्षा जिसने हमें वचन दिया है, जिसने हमसे बातें की हैं, उसके वचन के आधार पर हम करते हैं और उससे अपेक्षा करते हैं, और वो हमारी अपेक्षाओं को पूरा करता है। प्रेज गॉड। यदि आप ऐसा करेंगे, चुनाव आपका है, यदि आप ऐसा करेंगे तो आर्थिक प्रभुत्व में आप चलेंगे और दूसरों के लिए आप आशीष का कारण होंगे। आपके द्वारा परमेश्वर के राज को आप बढ़ाने लगेंगे, दूसरों के लिए आप आशीष का कारण होंगे, अपने जीवन का आप आनंद उठाएंगे और गरीबों की सहायता आप कर पाएंगे, और ये सब कुछ यीशु की महिमा के लिए होगा। प्रभु आपको आशीष करें।